नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कन। सतना जिले के मैहर मां शारदा देवी की धार्मिक नगरी एवं औद्योगिक विरासत को जहां तहसील से जिला का दर्जा प्राप्त कर चुका मैहर को एक नई पहचान मिली, वहीं भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को गद्दावर नेता कहने वाला यह तो ठीक है, लेकिन जहां सत्ता एवं संगठन दोनों का दुरुपयोग करने में एवं अपने आकाओं के दम पर नहीं चूक रहा है। मामला नगर पालिका परिषद मैहर की अध्यक्ष श्रीमती गीता सोनी का आलम यह है कि एक वर्ष पूरे हो जाने पर और शहर की मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, सड़क अभी भी अस्त व्यस्त है। शहरवासी जहां काफ़ी उम्मीदें लगाए थे, वहीं उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। एक शोचनीय है विषय कि नगर पालिका अध्यक्ष का पति जहां भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग सतना का अपने आप को आज भी जिलाध्यक्ष बता रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कुछ माह पूर्व रामपाल यादव को भाजपा का पिछड़ा वर्ग जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है, लेकिन सत्ता और संगठन के दम पर आज भी अपने आप को भाजपा पिछड़ा वर्ग का जिलाध्यक्ष बताना क्या न्याय संगत हो सकता है। सोचनीय विषय है कि शहर ने जिन उम्मीदों के साथ नपा का अध्यक्ष उनकी पत्नी को बनाया, लेकिन वह कार्य आज भी लोगों के जहन में है कि विकास करना तो दूर बल्कि भ्रष्टाचार की बलि बेदी में एक ग्रहण जैसा लगा हुआ है। हाल ही में भी वार्ड क्रमांक 1 के निवासियों ने उनके निजी निवास के समक्ष जन आंदोलन कर अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए बिजली, पानी, सड़क के लिए धरना प्रदर्शन भी किया। इसके बावजूद भी वार्ड वासियों की समस्याओं का निदान नहीं हुआ और आगे क्या होगा यह समझ से परे है।